वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान विस्डम आज के क्लास में हम देखने वाले हैं द लास्ट लेसन का टू मार्क्स और थ्री मार्क्स या फिर लॉन्ग टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे ठीक uh, है ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा क्वेश्चन आंसर का सॉरी सेकेंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन आंसर वन मार्क वाला किया है जिसमें सारा ही कवर हो चुका था लगभग लगभग हमने ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्वेश्चन दिया था ठीक है और उस तरह से टू मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी लेकर आ जाएंगे धीरे धीरे ठीक है ये उसका फर्स्ट पार्ट होगा टू मार्क्स क्वेश्चन का ओके सो अगर अभी तक आपने uh, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जरूर देखें और अगर देख लिया है तो अच्छी बात है क्वेश्चन आंसर लेते हैं ठीक है ठीके? और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप क्वेश्चन आंसर वाले जो वीडियो होंगे उन्हें स्किप मत करना ठीक है मैं क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उसे एक्सप्लेन भी करूंगा तो जब आपने एक बार जब स्टोरी समझा था तब तो आपको समझ में आया होगा और प्लस अभी हम उसका आंसर का भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ठीक है इससे ये होगा कि आपको ये याद नहीं करना होगा आपके दिमाग में खुद ब खुद ही बैठ जाएगा ठीक है और हर एक क्वेश्चन जब खत्म होगा तो उसके बाद मैं थोड़ा सा समय आपको दे दूंगा तो आप उस समय उसका स्क्रीन ले लेना ओके और उसके बाद फिर आगे देखते रहना तो चलिए स्टार्ट द लास्ट लेसन क्लास ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू Why was there a crowd in front of the bulletin board at the town hall? Town hall के सामने भीड़ क्यों था उस दिन? Usually there used to be a crowd in front of the bulletin board as there was no circulation of newspaper and people had to collect the news from the bulletin board. Generally क्या होता था? साधारणतः वहाँ पर कोई वहाँ पर newspaper नहीं बढ़ता था, ठीक है? कोई circulation नहीं था newspaper का, तो होता क्या था? लोगों को खुद बखुद जाकर वहाँ से और news जो है वो collect करना पड़ता था कहाँ से? Bulletin board से, okay? ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दे इयर फॉर द लास्ट टू ईयर्स पिछले दो सालों से सिर्फ वहाँ पर बैड न्यूज़ ही आया था ऑन द डे ऑन दैट डे अनदर बैड न्यूज़ वेटेड फॉर दम और उस दिन भी उनके लिए एक दूसरा बुरा खबर जो था वेट कर रहा था रुका हुआ था क्या था वो अ न्यू ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन एक नया ऑर्डर आया था बर्लिन से टू इम्पोज जर्मन लैंग्वेज ऑन फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जितने भी फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनके ऊपर अब जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज़ किया जाएगा मतलब उन्हें अब जर्मन बोलना होगा ऑफ अल्सेस एंड लोरेंक कहाँ के लोगों का अल्फेस एंड का ठीक so, है से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है देयर इन अ ग्रेट ड्रिड ऑफ स्कोल्डिंग फ्रांच क्यों डरा हुआ था फ्रांच को डर क्यों लग रहा था डांट खाने का फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डेट मॉर्निंग उस दिन फ्रांच स्कूल के लिए बहुत लेट से स्टार्ट किया बहुत लेट से जाना शुरू हुआ अगेन एम एवल विलेज स्कूल मास्टर आस्ड द स्टूडेंट्स टू लर्न पार्टिसिपल्स और एम एवल जो थे उन्होंने क्या बताया था जो विलेज स्कूल के जो टीचर थे वो क्या कह रहे थे कि आपको पार्टिसिपल्स पढ़कर आना है फ्रांस डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट द पार्टिस को इवन फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स के बारे में सो ही वॉज अड ऑफ स्कॉलिंग इसीलिए फ्रांस का था डरा हुआ था डांट खाने के लिए डर रहा था ठीक है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं वट वेर द थिंग्स फ्रांस फाउंड फ्रांच वॉज मोर इंटरेस्टेड इन देन द स्कूल वो क्या चीज थी जो फ्रांस को ज्यादा अच्छा लगता था स्कूल से या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है वट वे आर द थिंग्स फ्रांस फाउंड मोर मोरप्टिंग रूल पार्टिसिपल्स रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स को से फ्रांस को और कौन से चीज थे जो ज्यादा अच्छा लगते थे फ्रांस फाउंड फाउंडेड दोनों के लिए आंसर एक ही होगा हमारा ठीक है फ्रांस फाउंड फाउंडेड वेदर आउटसाइड द स्कूल वॉज ब्राइट एंड वार्म बाहर का जो वेदर था जो मौसम था बहुत ही क्या था ब्राइट था और वार्म था बर्ड्स वेयर आर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द प्रोसियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग पक्षी जो थे वो पेड़ की टहनियों पर क्या कर रहे थे चिरपिंग कर रहे थे चहचा रहे थे और बैक ऑफ द सो मील सौ मील के पीछे जो प्रोसियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे फ्रांस फाउंड ऑल दिस मोर मोर इंटरेस्टिंग देन द स्कूल फ्रांस को ये सभी चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा देन स्कूल uh, से या फिर फ्रांस फाउंड मोर टेम्पटिंग फ्रांस फाउंड ऑल दिस मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स या फिर फ्रांस को फ्रांस को ये सब जो है रूल्स ऑफ पार्टिसिपल से ज़्यादा अच्छा लगा ठीक है नेक्स्ट है हाउ वाज़ द सीन इन द स्कूल ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेज दूसरे दिनों से उस दिन का जो स्कूल का सिचुएशन था वो कैसे अलग था ये क्वेश्चन पांच मार्क के लिए आता है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता ही है ये या व्हाट व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रांस फ्रांस नोटिस ऑन द द डे ऑफ लास्ट लास्ट लेसन लेसन के दिन को क्या क्या अनयूजुअल थिंग देखने को मिला तो ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन एवरीथिंग सीम्ड अनयूजुअल इन द स्कूल उस दिन सभी कुछ अनयूजुअल था कोई चीज नॉर्मल नहीं लग रहा था यूजुअली साधारणतः क्या होता था वेन द स्कूल बी देयर वॉज अ ग्रेट नॉइज कुड बी हर्ड आउट इन द स्टेट बेसिकली क्या होता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज होता था स्कूल में तो स्ट्रीट में गली में भी वो नॉइस सुनाई दिया करता था द नॉइस ऑफ स्टूडेंट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क स्टूडेंट का हल्ला चिल्ला करने का आवाज़ हो गया जैसे कि डेस्क का ओपनिंग क्लोजिंग का हो गया लेसंस रिपीटेड इन यूनाइजन लेसन को एक साथ लोग चिल्लाते थे पढ़ते थे तब द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल टीचर का जो रूलर जो था वो टेबल पर ठकठक ठकठक करते रहता था वो आवाज़ आते रहता था ये सब चीज़ सुनाया जाता था बट ऑन दिस ऑन द ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन इट वॉज वेरी साइलेंट लेकिन लास्ट लेसन के दिन क्या था यह सब बिल्कुल ही नहीं था बिल्कुल साइलेंट था इट वॉज एवरी थिंग लुग्ड एज क्वाइट एज सन्डे मॉर्निंग सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो संडे मॉर्निंग में बिल्कुल आवाज नहीं होता है उस तरह से आवाज हो रहा वैसे आवाज़ था ठीक है द टीचर ऑल्सो ड्रेस्ड कैम ड्रेस्ड इन संडे सूट वो अपने संडे सूट में आए थे आपको पता होगा ही वॉज वियरिंग ब्यूटीफुल ग्रीन कोट उनका संडे सूट क्या था ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रील्ड शर्ट ग्रीन कोट फ्रील्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक कैप और एक हल्का सा काले कलर का क्या था कैप था ब्लैक सिल्क का कैप था ऑल एम्ब्रॉयडर और सब कुछ सजा तजा था ठीक है मैं एक बार बता दूं ये सारे क्वेश्चन ये सारे आंसर जो है आपको नेट पे ऐसे नहीं मिलेगा ठीक है ऐसे अगर आप चाहो तो द लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर ढूंढो बहुत सारे आपको मिलेंगे बट ये सब मेरा खुद का दिया हुआ है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ ठीक है सो ये सब बिल्कुल ही ओरिजिनल है अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखते हो तो टीचर को भी समझ में आ जाएगा कहीं से कॉपीड नहीं है खुद का नोट्स बनाया हुआ है ठीक है ओके ऑल एम ऑर्डर नॉर्मली ही वोर इट ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक प्राइज डेज एंड ऑन इंस्पेक्शन नॉर्मली वो कब पहनते थे ये इसको प्राइज डेज पे इंस्पेक्शन डेज पे पहनते थे द मोस्ट सरप्राइजिंग प्राइजिंग थिंग वॉज द विलेज एल्डर्स वी आर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था बैक बेंचेस बेंच के पीछे लास्ट uh, वाले जो बेंच थे वहाँ पर विज uh, एल्डर्स बैठे हुए तो तीन चीज फ्रांस जो है नोटिस करता है एक शोरगुल नहीं था दूसरा एम एल का ड्रेस और तीसरा बैक ऑफ द बेंच बैक बेंचेस में जो एल्डर्स है वो लोग बैठे हुए हैं ठीक है ओके लास्ट और सॉरी आज का फिफ्थ क्वेश्चन है वाई इज द लेसन कॉल द लास्ट लेसन ए टू थाउजेंड फोर्टीन में पूछा गया था ठीक है और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया वहाँ पर मैंने ईयर नहीं दिया ठीक है एम एम एल सर्व्ड इन द स्कूल इन आलसेस फॉर फोर्टी ईयर्स यहाँ पर देख लो फोर्टी का स्पेलिंग एफ ओ आर टी वाई है ठीक है एम एम एल जो है उस विलेज स्कूल में चालीस साल से चालीस साल तक जो है पढ़ाए हुए हैं French language was taught in the school, but France, as France was defeated, France was defeated by Germany. France had to surrender the border districts of Alsace and Lorraine to her victorious neighbors. So since France जो है हार गया था, France हार गया था, तो उस समय उनका जो है वो Alsace and Lorraine जो district है वो Germany को देना था. The the school received an order from Berlin. School को order मिला था Berlin से क्या? कि अब जो है यहाँ पर सिर्फ German language पढ़ा जाएगा और अगला next नया teacher जो है वो अगले दिन ही आने वाला था. ठीक है? So

सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास में वट वाज एम एल्स ओपिनियन ऑन फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज पे एम का क्या ओपिनियन था हाउ डज़ ही पे पेट्रीब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज या फिर इसी को ऐसे बोला बोला जा सकता है कि कैसे वो कैसे उसका बखान करते हैं ठीक है थीके? कैसे उसका बड़ाई करते हैं सो एम एम एल हैड अ हाई ओपिनियन ऑन फ्रेंच लैंग्वेज एम एम एल का फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत ही हाई बहुत ही ऊंचा दर्जे का ओपिनियन है ही डिक्लेयर डैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड सबसे दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज एक्चुअली इट इज द थीम ऑफ द स्टोरी यही तो थीम था इस स्टोरी का लैंग्वेज के ऊपर हाउ मच यू लव योर लंग्वेज इसके ऊपर ही तो सारा क्वेश्चन जाना था ना सो इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड ये पूरी दुनिया का सबसे क्या है लॉजिकल और सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है ही एडवाइज हिज स्टूडेंट्स एज वेल एज द पीपल ऑफ अल्सेस एंड टू गार्ड विलेज टू गार्ड इट इट एट ऑल कॉस्ट जित चाहे जो भी हो जाए हर कीमत पे इसे बचा कर रखना है इसे सेव करके कर रखना है उन्होंने लोगों को सलाह भी दी अपने स्टूडेंट्स को भी सलाह दिया इफ़ इट इज़ गार्डेड एंड प्रिजर्व प्रॉपरली अगर इसे सही तरह से गार्ड किया गया और बचा कर रखा गया एंड केयरफुल्ली इट विल इट वुड सर्व एज द किड टू द फ्रेंच पीपल टू गेट रेड ऑफ दिलेवरी इम्पोज अपन नेम तो ये क्या होगा एक चाभी जैसा काम करेगा कुंजी जैसा काम करेगा इस गुलामी से बाहर निकलने का सिक्स क्वेश्चन है आज का व्हाट वेयर द व्हाट वेयर सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स टेकन बाय एमएमएल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन क्या क्या सब्जेक्ट और क्या टॉपिक थे जो एमएमएल ने उस दिन लिया था सो एम एम एल वॉज अ टीचर इन द स्कूल ऑफ अल्सेस ए लाइन आप छोड़ भी सकते हो ठीक है मैंने जस्ट एड कर दिया क्योंकि हमें दो से तीन मार्क के लिए थोड़ा सा बड़ा लिखा लिखना होता है ठीक है सो ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन ही टॉट मनी सब्जेक्ट्स बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाया था उन्होंने ही आज क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स उन्होंने पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन किया था द स्टूडेंट्स एंड टॉट द स्टूडेंट्स लेसन फ्रॉम ग्रामर और कुछ ग्रामर के भी टॉपिक्स को पढ़ाए थे ही एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी केयरफुली एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो सिम टू अंडरस्टैंड दैम वेरी वेल आफ्टर द ग्रामर द स्टूडेंट्स वे आर गिवेन लेसन इन राइटिंग देन द स्टूडेंट्स वी आर टॉट हिस्ट्री फिर उसके बाद में ग्रामर का उन्हें रिटर्न में कुछ क्लास दिया गया उसके बाद में हिस्ट्री पढ़ाया गया द बेबी साउंडेड द सिलेबस बेबी ने कुछ बाबे बेबूबे सब चेंट किया था ठीक है एंड एट एट लास्ट ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड और सबसे अंत में उन्होंने बोर्ड पर क्या लिखा था वाइबुल ऑफ फ्रांस मीनिंग लॉन्ग लिव फ्रांस ओके ओके और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का एट नंबर क्वेश्चन हु अकॉर्डिंग टू एम एम एल वेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रांस इन एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन हिज ऑन लैंग्वेज कौन रेस्पॉन्सिबल थे कि फ्रांस अपना खुद का लैंग्वेज को नहीं पढ़ सक रहा था ना और रीड कर पा रहा था सो फ्रांस वॉज अनेबल टू रीड and write his uh, mother tongue properly on the day of the last lesson mml expressed his concern for this according to mml franz himself franz khud hi iske liye zimmedar tha uh, the parents, उनके parents and guardians and एम himself were responsible for this. फॉर दिस और एम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे क्यों रिस्पॉन्सिबल थे क्योंकि जब भी uh, कुछ होता था तो जो पेरेंट्स थे वो तो उनको काम में लगा देते थे स्टूडेंट्स खुद नहीं पढ़ना चाहते थे फ्रांस खुद नहीं पढ़ना चाहता था और uh, जो एम एम एल थे वो कभी कभी उन्हें uh, पेड़ पौधे में पानी देने के लिए चले बोल देते थे ठीक है जब भी उन्हें फ़िशिंग जाने का मन करता था तो वो होली डिक्लेयर दे, कर देते थे तो इस तरह से हमने आज का ये एट क्वेश्चन आज खत्म कर लिया है ठीक है आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा आ, आप इन सारे क्वेश्चन का जो नोट है उसे आप ले लो ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे का और जो पार्ट है वो लाएंगे हम ठीक है जल्दी जल्दी लाएंगे और बहुत ही जल्दी हम ग्रामर का भी एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं सबसे पहले तो मैं एक ही टॉपिक को टच करूंगा टेंस को सिर्फ टच करेंगे करेक्ट टेंस को जो कि टेन और ट्वेल्व दोनों के लिए होगा ठीक है और जैसे आप ट्वेल्व वाले हो तो ट्वेल्व वाले के लिए सिर्फ पहले तो जो पार्ट होगा पढ़ाने का जो क्लास होगा वो तो आपको पूरा मिलेगा ही प्लस जो आपका अभी तक का जितना भी क्वेश्चन आ रखा है जितने भी एग्जाम्स में ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सारे क्वेश्चन वहाँ पर इंक्लूडेड होंगे प्लस मॉडल का भी कुछ क्वेश्चन होंगे ठीक है सो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है सो so, आप उसके लिए वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो नीचे जरूर कर कमेंट कर करके बताना क्योंकि मैंने इसके लिए एक पोल भी रखा था आप लोगों ने बहुत रिस्पॉन्स uh, भी किया है ठीक है so, सो चलिए मिलते हैं और वेरी सुन हम उस लेक्चर uh, में मिलेंगे और वो लेक्चर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए होगा मतलब सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा ठीक है थोड़ा सा कम ही कॉस्ट होगा ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा बट uh, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाय एंड टिल देन टेक केयर कुछ और अगर डिमांड हो कुछ और क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट कर जरूर पूछना बाय बाय सब्सक्राइब करें क्या चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए